तो, तो किचन का मतलब है कि मैं मून खाने का शौक है मैं तो सूट खेस रखना तो मैं जाके सीधा ग्रोसरी खरीदना तो अपना मैं दिन नु की खाना है रात नु की खाना है तो वो सारी जो हर शहर की जो अच्छी चीज़ें हैं वो लेकर आता हूँ यानी कि मिसाल के तौर पर बज दफ़ा मैं तस्वीर खींच के अपने दोस्तों को भिजवाता हूँ अब उसमें दो अंडे पड़े में दो फ्राई किए उसके साथ मैंने ऑलिव्स रखे हुए उसके साथ मैंने रॉकेट और सैलेड के पत्ते रखे हुए हैं उसके साथ मैंने चीज़ रखी हुई है और फिर साथ में स्मोक्ड सामन वो होगी और उसको थोड़ा सा ऐसे हल्का देखो, देखो, माहौल <laughs> because... <laughs> <साथ हो> <laughs> बना रहे हम अपना सेट तो चेंज करते हैं पे पे साइड पे किचन भी हम लोग बना के लेकिन शेख साहब की गड्डी जी प्रेशर कुकर पे वेलकम बैक टू गपशप सर ये बताएं तो इस तरह आपने कहा कि दुबई, न्यूयॉर्क इतनी जगह मैं और रहे हैं एंड यू स्पेंट दिस टाइम सर मुझे ये बताएं कि इस सब के दरम्यान में 18 जूल मेंशन प्लाजा क्वार्टर का ख्याल कितनी दफा आता है <laughs> ये भी कमाल है क्योंकि मेरी पैदाइश रावलपिंडी की है बट मेरे जवानी के जो शुरू के दिन थे वो कराची में थे और कराची में प्लाज़ा क्वार्टर में थे बिल्कुल प्लाजा क्वार्टर में मैं रहता था हमारे आ, दो कमरों का फ्लैट था और हम आठ लोग उसमें रहते थे बट अल्लाह का करम है करम है उसका सब अपनी अपनी जगह आज वो सेट हैं और हर एक के पास आठ आठ कमरे हैं तो परवरदिगार ने बड़ा करम किया तो वो एक एड्रेस ऐसा था जो बड़ा इंटरेस्टिंग था और मैं अपने दोस्तों को सुनाता था दोस्त मुझे कहते थे कि भाई जावेद आप कहाँ रहते हैं अब कुछ फॉरेनर्स भी बैठे होते थे और ये लोग मैंने कहा वेल इट इज एटीन जूल मेंशन, ग्रीन स्ट्रीट प्लाजा स्क्वायर, कराची सेवन फाइव डबल जीरो अब देखने में ये लगता है कि कोई पॉश एरिया है एटीन ज्यूल मैं तो वो पता लगा वो कंजेस्टेड एरिया में एक बिल्डिंग है जिसमें हम लोग रहते थे मगर एड्रेस से वो ऐसा लगता था कि ये कोई बंगला वंगला कभी शेख सब आता है आज जब कभी लंदन में किसी या बैठे हुए न्यूयॉर्क में और एक कभी आता है जहन में ये भी एक अपार्टमेंट है जहाँ मैं अभी बैठा हूँ या इस होटल के कमरे में बैठा हुआ और नहीं बिल्कुल आपने अपने पास्ट को कभी नहीं भूलना मैं कभी नहीं भूलता मुझे क्यों क्यों हाँ मैं जाता हूँ बल्कि मैं जाकर मैं उस मोहल्ले में से गुजरता हूँ गाड़ी लेकर गुजरता हूँ देखता हूँ कि यहाँ बैठता था यहाँ ये करता था।, था मुझे बुरा नहीं लगता। तो वो एसोसिएशन तो रहेगी कभी उससे हट नहीं सकता मगर वैसे एक और जो आपका हमेशा आप बहुत जिक्र भी करते हैं आप अपने इंटरव्यूज में भी कि आपको बड़ा वो उस पर बैरो साहब ने भी अक्सर बड़ा जोक किया है कि जी पेरिस बहुत पसंद है और ये पेरिस का है पेरिस का है वो हमेशा ये जब बात होती है ना तो मैं कहता हूँ आई एम फ्रेंच एक्चुअली यू नो क्योंकि मैं थोड़ी बहुत वो ऐसे बोल लेता ये मतलब वो कि लगी रोटी <laughs> नहीं ये जो फ्रेंच है ये आपको ये कहा से एकदम कराची में एक लड़के को बाकी दुनिया में मुल्क भी थे फ्रेंच का शौक कैसे हो गया अरे फ्रेंच एक्चुअली एक आ, साहब थे पीआईए में उन उनकी फैमिली यहाँ कराची आई हुई थी वो पीआईए में स्टेशन मैनेजर पेरिस में थे तो अपनी फैमिली को हॉलीडेज में यहाँ कराची लाए हुए थे उनकी बेटी से मेरी दोस्ती हुई है उन्होंने मुझे फिर पेरिस इनवाइट कर लिया अच्छा हाँ ये वही ज़माना था जब मैं फिल्म कर रहा था ये धमाका धमाका यस yes. के वक्त माई फर्स्ट ट्रेवल वॉज इन नाइनटीन टू पैरस अच्छा यस oh, yes. और ये वही जमाना है जब आई थिंक मेट्रोपोल होटल बस एग्जैक्टली वहीं से वहीं से वहाँ पर यानी कि एक शोरूम था आ, कार सेल्स के नाम से कार सेल्स के साथ ही कार डील्स एक बहुत मशहूर वो ड्राइविंग स्कूल भी था और वो शोरूम भी था उनका तो ये दो वहाँ पर थे तो मैं वहाँ बैठता था तो वहाँ से हमारी मुलाकात हुई थी और वहाँ से फिर और ये जो खातून जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कैरोलाइन आ, तो

ਸਰ ਇੱਕ ਮਾਫੀ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਸਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਜੇ ਇਹ ਕਹੇ ਦਿਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਮਸਲ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਵੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾਵਾਂ

ਔਰ ਖੁਸ਼ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੇਗਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਏ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਿੱਕਰ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਰ ਓਹ ਨਾਲ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਓਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਰੋ ਬੋ ਨਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਰੋਣਾ ਵੀ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਜੀ ਸਰ

तोंसा शरीफ मरगला की पहाड़ी से आप जिप लाइन पे तोंसा शरीफ जी सर जाके न वेगे डिगा तो डर गए ने अच्छा हां फिल्म देख रहे सर कौन सी सिंड्रेला बुजदार साहब सिंड्रेला देख रहे थे मैं कह सर कैसी लगी ये कहंदा और तो कुछ भी नहीं सी बस कुड़ी दी जूती छोटी सी ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਆਰਡਰ ਲਾਉ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨਿਰਗੋਲੀ ਇਹ ਸਾਢੇ 3 ਸਾਲ ਮੈਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਕੰਨ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਓ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ ਕਿਦਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂ ਇਸ ਤਹਿਕਾਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਗੱਪਸ਼ਾ ਪੈ ਗਈ ਏ ਹਾਂ ਤੇ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਸੈਟਅਪ ਬਣਾਉਣ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲਦੀ ਮੈਂ YouTube ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅੱਛਾ ਬੜੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਡਾਲਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋਰ ਪਰਸੂ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫੜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਲਰ ਤੁਰਾਂ ਗਏ ਨਾ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਏ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਏ ਡਾਲਰ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਆਹੋ ਅੱਗੋਂ ਹੱਸ ਹੀ ਜਾਣ ਐਸੇ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਮੈਗਾ ਐਸਚੋ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਅਖੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਖਸੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਣੀ ਪਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਨੇ ਕਰਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਪੱਠਿਆਂ ਵਾਲਾ ਟਾਲ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਕੈ ਜੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਸਤਿਹਕਾਮ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਏਡੇ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ own <laughs>